अपने मैंने खुद देखा है, मैंने भी काम तो है, लेकिन ये काम भी बहुत अच्छा हुआ, इतना अच्छा है कि मैं खुद अहमद ने अपना काम शुरू कर दिया। चनेशन ने ये साफ कर रहा है, अब ये देख भी साफ करेगा। देख साफ चल, आज जो दोस्त ने मकान देखा जो दुबई वाले आए थे दोस्त, उनको जो मकान है वो बहुत ज्यादा पसंद आया। मियां साहब जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ जी। तो लंगर आ चुके हैं माशाल्लाह, हलीम बड़ी मजेदार लग रही है, चोरी साहब भी साथ है आज, तो अभी हम शुरू करने लगे हैं, फिर खा के इंशाल्लाह मिलते हैं। खाना साहब की हाल चाल है? ठीक ठाक जी। ठीक जे, खाओ लंगर। सर थले चाबी पई है, हेलो चाबी पई हो दो दूसरे घर दे। क्या है? तंग ही कीता यार। क्या बात है, शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू बाबू सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा आपको अपने ईमान में रखे। तो इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। टाइम तकरीबन शाम का हो रहा है, मतलब बड़े करने तकरीबन 5 बजे का टाइम हो रहा है। अभी हम अपने जो नए घर में पहुँचे, आप देख सकते हैं हमने इधर करनी थी सफाई, सफाई के सिलसिला में हम इधर पहुँचे थे। सफाई करते थे, काफ़ी दिन हो गए थे, तो थोड़ी देर पहले हम लंगर शंगर खा के आए, क्योंकि आपको 9 मुहर्रम है, तो आपको पता है कि 9 मुहर्रम में बहुत ज़्यादा सबीले लगती हैं, लंगर शंगर काफ़ी होता है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले जो हलीम का लंगर खा के आए, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त था, मज़ेदार था। तो इस घर की सफाई जो है काफ़ी दिन हो गए थे नहीं हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना आज सफाई जो है वो कर रहे, तो सफाई हमने शुरू कर दी है। अहमद के काम देख रहे हैं ये क्या कर रहा है सामने, और लाइट भी ऑन कर लेते हैं क्योंकि लाइट घर की हम ऑफ ही रखते हैं, तो मुझे लगता है कि लाइट तो गई हुई है, लाइट है ही नहीं। यह है कि पानी टैंकी में है, हम वो ही इस्तेमाल कर लेते हैं, फिलहाल ऑन कर देते हैं। तो अभी जब लाइट आएगी तो पंप वगैरह ऑन करके टैंकी टैंकी भर लेंगे, फिलहाल हम लाइटें जो है ना ऑन कर देते हैं एक दफ़ा। तो अभी हम सफाई कर लेते हैं इंशाल्लाह, सफाई करने के बाद आपको मिलते हैं। One hour later. हाँ जी, सफाई होगी मुकम्मल हैं, सारी होगी जी। तो तकरीबन आधा घंटा या पौना घंटा जो है तकरीबन हम जो है ना सफाई करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हो चुके हैं, सफाई मुकम्मल हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ओके हो गया सारा। ये है कि वेपर हमने लगा दिया, जो पानी पड़ा था वो भी खुश्क हो जाएगा थोड़ी देर तक, और लाइट का हम इंतज़ार करते रहे कि लाइट आ जाए, तो फिर जो पानी यूज़ होगा टैंकी से वो टैंकी जो है ना फिल हो जाएगी। अगर कहीं इमरजेंसी की ज़रूरत में ज़रूरत पड़े तो वो ये है कि पानी टैंकी में हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ना लाइट नहीं आई और हमने जो टैंकी में पानी था वो इस्तेमाल कर दिया, अब थोड़ा बहुत रह गया। तो यह है कि जब हम दोबारा चक्कर लगाएंगे, जब लाइट आ जाएगी, तो हम पानी जो है ना वो इंशाल्लाह इसमें भर देंगे। फिलहाल जो सफाई हमारी हो चुकी है, हम वापस निकलने लगे हैं। हाँ चले अहमद साहब, चले वापस, चले जी। अभी हम वापस निकलने लगे हैं, तो फिर अगला जो प्लान है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि अब इसके बाद क्या करना है। चल चल चल, जल्दी कर, जल्दी 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 जल्दी। अभी हम सफाई करके निकलने लगे थे, तो हमारे प्यारे जो भाई खलील साहब, मियाँ खलील साहब जो दुबई से जो आए हैं, तकरीबन 1.5 महीना हो गया, अभी जो इनकी वापसी है थोड़ी देर तक, तो इंशाल्लाह ये खैर वफ़ियत से जो अपने जो प्रदेश में वापस चले जाएंगे। तो ये अचानक आ गए थे, इन्होंने मकान देखा है सारा माशाल्लाह, बड़े खुश हुए थे, इनसे जो सारा घर बना हुआ है उस हिसाब से इनसे फीडबैक लेते हैं कि ये मकान इनको कैसा लगा जी। मियाँ साहब कैसा लगा मकान? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक जिस किसी ने भी लेना है उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, और बहुत काम हुआ, अच्छा काम हुआ इसमें। तो छोटी सी फैमिली के लिए अच्छी प्यारी रहश है, अगर वो आके रहेगा इधर तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये मैंने सारा जो अपनी कस्टडी में बनवाया, और सारा इसमें जो आर्टिशन हुई है सारी वो अपनी जो है ना मर्जी से करवाई है अपने। मैंने खुद देखा है, मैंने भी काम तो है, लेकिन ये काम भी बहुत अच्छा हुआ है, इतना अच्छा है कि मैं खुद
सिस्टम सोच रहा हूँ, तो मैं कभी दिल कर रहा है कि मैं ये जगह ले ही लूँ, लेकिन अभी थोड़ा सिस्टम नहीं है, तो होता तो मैं इंशाल्लाह इसको जाने नहीं देता था, किसी भाई को दे देते, अपने किसी प्यारे को देते, उसके लिए ये जगह ले लेता मैं, और मुझे ये बहुत पसंद आई है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये मियाँ खलील साहब मेरे बड़े प्यारे अच्छे दोस्त हैं, पिछली आपने तस्वीरों में देखा होगा कि मैं इनको जो है ना ड्रॉप भी करके आया था एयरपोर्ट, फैसलाबाद एयरपोर्ट पे हम गए थे इनको ड्रॉप करने के लिए, तकरीबन 27 दिसंबर 2019 में हम गए थे इनको ड्रॉप करने, तो अब ये तकरीबन 2.5 साल बाद वापस इधर आए हैं, तो ये जो हमारा नया घर है ये इसके पास ही इनका मतलब भाई घर है, अब इन्होंने माशाल्लाह खुद एक अपना बड़ा प्यारा और नया घर बनाया है, बहुत आलीशान है वो, 5 बार उन्होंने बना, वो भी बहुत ज़बरदस्त बना है, तो अब ये उधर ही शिफ्ट हो गए हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनके जो वो नसीब में करे, और ये है कि बाकी जो पहले काम है वो भी हो जाए, तो अभी जो हम निकलने लगे थे वापस तो मियाँ साहब से मुलाकात होगी, ये बहुत शुक्रिया इनका। हम जो है सफाई करके घर वापस आ चुके हैं, और जो अहमद साहब है उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, ये देखें, क्योंकि कल 10 मुहर्रम है और 10 मुहर्रम को लंगर शंगर पकाना है, आपको पता है नियाज पकानी है, तो उस वाले कल हम सुबह इंशाल्लाह फजर के बाद जो अपना काम शुरू कर देंगे, और जो लंगर शंगर फजर के बाद इंशाल्लाह लंगर खिला के फ्री होके फिर इंशाल्लाह जो है कब्रिस्तान का रुख करेंगे, तो उससे पहले जो है अहमद ने अपना काम शुरू कर दिया, चने ये साफ़ कर रहा है, अब ये देख भी साफ़ करेगा, देख साफ़ करनी है अहमद, अहमद ने चने भी साफ़ करने हैं और अहमद ने देख भी अभी साफ़ करनी है, क्योंकि ये देख सुबह पकेगी उससे पहले पहले जो है ये साफ़ करेगा, आज ये रेडी कर देगा, तो इंशाल्लाह ये सुबह जो है ना रेडी हो जाएगी, और जिससे पकानी है वो भी ले आए हैं, इससे हम इसको खुद ही पकाएंगे, किसी को नहीं बुलाना है, क्योंकि सुबह जो नैये के पास कोई टाइम शेम नहीं होता, तो हम सुबह खुद ही इसको इंशाल्लाह पकाएंगे, और पका के जल्दी जल्दी फ्री हो जाएंगे, राशिद साहब जो तो गोश्त लेने गए हुए हैं, चने और गोश्त इंशाल्लाह पकाया जाएगा, और लंगर ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो तैयार किया जाएगा और तकसीम किया जाएगा इंशाल्लाह। तो ये है कि अभी मैं तो फुल गीला हो चुका हूँ, ये देखें क्या हाल हो गया, ट्रोजन मेरा सारा भीग गया, इंशाल्लाह ये सुबह ही बदलेंगे, एक दफ़ा नहा लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, और अहम ने तो नहा लिया उधर ही, अब ये अपना काम शाम जारी है, चलो जल्दी करो। आपको पता है कि जब बारिश आती थी तो दुकान से जो पानी वो गिरना शुरू हो जाता था, तो इसीलिए हमने जो है ना ये सारा उस दिन ये सारा दुकान पे ना ऊपर सीमेंट लगा दिया था सारा, ताकि अब जो बारिश आए तो ज़्यादा जो है ना वो मसला ना बने, तो देग पकाने के लिए ये लकड़ियां हैं, ये तो कम है, लेकिन ये अगर लकड़ियां और लानी पड़ेंगी, मैं अब उसे पूछ लेता हूँ, अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम जाके ले आएँगे, अगर इनसे काम चलता हुआ मेरे ख्याल में तो ये थोड़ी है, इनसे हमारा काम नहीं चलेगा, मैं ऊपर और देख लेता हूँ शायद कि मज़ीद कोई और पड़ी हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा दूर दूर तक कोई भी जो है ना पड़ी होगी, मुझे लगता है कि और लानी पड़ेगी, फिर भी पूछ लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ले आएंगे भाग के। राशिद साहब आए हैं, इनसे पूछते हैं, सर वो जो लकड़ा पियाँ ने चाली जानी और लेनियाँ पैनियाँ, मुझे देख के पता लगेगा ये अगर लेनियाँ पैनियाँ ने तो जनाब फौरी जा कर ले आओ, इस तो बेहतर कि आप लेट हो गए, क्योंकि सुबह सुबह काम शुरू करना है, चलो देख लेने नज़र मार के आओ, नहीं तो फिर ले के आइए, जल्दी जाओ चेक करो, ठीक है फिर औरत नहीं लानी पैनी, नहीं भाई ना पूरे आ जाएंगे, ओके okay. चलो फिर जान छुट्टी ऐसी और को काम कर लिए अभी हम लोग बना के आते हैं, जो लकड़ों वाला जब हमारा काम था वो निपट के अब हमें नहीं लानी पड़ेंगी, जरा वॉक करते करते जो काफी दूर आ चुके हैं, आपको पता है कि इस जगह पे अक्सर ही हम आते हैं, चोरी साहब आज मेरे साथ हैं, ये आगे आगे जा रहे हैं, इनकी जो वॉक की स्पीड है ना वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से ये पहले इन्होंने मुझे चक्कर डलाया कि हम वो एक और बिल्डिंग की तरफ यानी कि वो स्टेशन जो है उस तरफ जाते हैं और वहाँ से चक्कर लगा के आते हैं, फिर इनका माइंड बदल गया और फिर ये मुझे इस साइड पे ले आए हैं, तो आज इधर को एक वीडियो शूट करनी थी इसलिए हम आए थे, तो इधर तो सारा पानी है, तो साहब क्या प्लान है अब? मुझे तो लगता है कहीं और ही चलते हैं, अब टाइम भी मगरब का होने वाला है ना, क्या किया जाए, क्योंकि इधर तो आप देख रहे हैं क्या सिस्टम बना हुआ है, तो फिर मेरे ख्याल वो दूसरी साइड पे साइड क्रॉस करके उधर जाते हैं, उधर को मामला बेहतर होंगे, वो आगे ठीक है मेरा ख्याल है, इधर से गुजर के जाते हैं, रास्ता बना लेते हैं खुद ही, नहीं गुस्सा है। A few moments later. अभी जी हमने वीडियो शूट कर ली, एक शॉर्ट सी वीडियो, एमरजेंसी वीडियो थी, वो हमने शेयर कर लिया इस जगह पे, क्योंकि इधर जो व्यू
बहुत प्यारा आ रहा था। चोरी साहब वो उस साइड से गुजरेंगे और मैं जो इस साइड से गुजर रहा हूँ। झाड़ियाँ इधर बहुत ज़्यादा हैं, आपको पता है कि आजकल इस महीने में जो काफ़ी मसला होता है बच बचा के जो वो गुजरना चाहिए ताकि ज़्यादा जो इशू ना बने। चोरी साहब आ जाओ इस साइड, तो आ जाओ इस साइड, तो आ जाओ आ जाओ। आज जी हमने लंगर शंगर खाया माशाल्लाह, जहाँ लंगर हो वहाँ तो फिर हमें पता चल जाए हम पहुँच जाते हैं, क्योंकि हम लंगर खाने वाले हैं। तो जहाँ भी लंगर हो हम इंशाल्लाह पहुँच जाते हैं। तो कल इंशाल्लाह, कल पहले हम खुद लंगर खिलाएंगे दोस्तों को, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह फिर कब्रिस्तान भी जाएंगे और इंशाल्लाह लंगर खाएंगे भी उसके बाद भी इंशाल्लाह। क्यों चोर साहब कल का क्या प्लान है? कल का कोई प्लान भी नहीं है अभी तो, कोई लंगर शंगर का क्या कोई प्रोग्राम खाएंगे? लंगर आज भी माशाल्लाह तकसीम किया है, सुबह आपकी तरफ पहुँचेंगे हम इंशाल्लाह सुबह फजर टाइम। अच्छा फजर टाइम है, फजर के इंशाल्लाह फौरन बाद जो नमाज पढ़ने के बाद हम पकाना स्टार्ट कर देंगे और इंशाल्लाह उसके बाद जो है ना आप पहुंच जाना। ठीक है, ठीक हो गया। और बाकी जी इंशाल्लाह जो माशाल्लाह जो दोस्त ने मकान देखा, जो दुबई वाले आए थे दोस्त, उनको जो मकान है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। वो आपने सुना होगा वीडियो में भी कह रहे थे, अगर मतलब मैंने वो पहले मकान ना बनाया होता तो मैंने ये मकान जो है परचेज़ कर लेना था, लेकिन उन्होंने एक अपना मकान बनाया इसलिए वो जो है ना वो नहीं ख़रीद सके। तो खैर शाम का टाइम हो चुका है, मगरब की अजानें हो चुकी हैं, अभी हम घर को वापस जा रहे हैं। व्लॉग का इधर इख्तिताम करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।